अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। आपको स्वागत है मेरे YouTube चैनल में, इमाम एंड माल्टा टीवी में। मैं रहता हूँ माल्टा में और ज़्यादा नहीं, एक साल चार महीना हो गया मुझे। तो एक साल चार महीने में अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस है। आप लोग कुछ बातें बतलाना चाहूँगा माल्टा के लिए, फ्री जॉब के लिए भी, पैसे के लिए भी, ठीक है। आप लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, मैंने अपलोड किया था, भंडारी भाई जो दुबई से थे हमारे, उन भंडारी भाई का डॉक्यूमेंट मैं शुरू से चेक कर रहा हूँ और जो उनको हेल्प चाहिए मैंने उनको हेल्प दिया हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी दिया हुआ है। एक भंडारी भाई थे जो दुबई में हमारे फाइल सबमिट किए थे, जिनका फाइल VFS ने वापसी दे दिया था, ठीक है, VFS ने वापसी दे दिया था। तो उसमें उन्होंने 3 साल उस कंपनी में काम किया था और बाद में उनका क्या हुआ, कंपनी का नाम चेंज हुआ तो उनका वीज़ा भी चेंज हो गया, इस वजह से उनको फाइल वापसी दे दिया गया था। फिर उसके बाद उनको समझाया गया कि आप कंपनी से बात करें, ठीक है ना, कंपनी अगर कोई आपको पेपर बना के दे देती है, कंपनी NOC बना के देगी, ठीक है ना, NOC होता है वो, NOC बना के दे देगी तो आपका फाइल सबमिट हो जाएगा। कंपनी ने उनका NOC बनाया, ठीक है, और 3 साल थे, देखिए 3 साल एक ही कंपनी में रहे आपने। उसके बाद उन्होंने सैफ में अप्लाई किया ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद भाई देखो उन्हें जॉब ऑफर भी मिला, ठीक है, आज उनका वीज़ा भी ग्रांट हो गया हुआ है। और इस वीडियो के लास्ट में मैं अटैच करूंगा उनकी वीडियो। मैं तो ज़्यादा देखो मैं अपने बारे में मैं ज़्यादा बतलाता नहीं हूँ भाई, इसलिए क्योंकि मुझे फ़ायदा नहीं है। आप खुद भंडारी भाई अपने मुंह से बतलाएंगे, आप लोग सुनिएगा क्या एक्सपीरियंस है उनका और कैसा मतलब रहा ऑनलाइन जॉब अप्लाई करने के लिए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन जॉब नहीं मिलता है, ये सब कहने की बात है भाई। रह गई बात, अपना अपना लक है, ठीक है ना, अपना अपना लक है। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को टाइम लगता है, किसी को सालों साल लग जाता है। तो देखिए भाई, अगर मैं तो सबसे पहले अगर मुझे कोई फ़ोन करता है ना, चाहे मुझे मैसेज करता है जॉब के लिए, तो मैं पहले उसे यही बतलाता हूँ कि भाई आप पहले ऑनलाइन ट्राई करें। आप ऑनलाइन ट्राई करेंगे ना तो बहुत कम पैसे में आ जाएंगे, बहुत कम पैसे में, ना के बराबर, ठीक है ना। अगर किसी का हेल्प लेंगे, देखिए मैं अपना ही बताता हूँ भाई, किसी का भी हेल्प लेंगे ना तो वो अपना चार्ज भी रखता है, ठीक है ना। हमें ये नहीं बोलता हूँ कि देखिए हर इंसान एक खराब होता है, बहुत आदमी सही भी हैं, बहुत आदमी खराब है, बट पहचानना ना पहचानना भाई आप लोग के ऊपर है, ठीक है ना, वो आप लोगों पर क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो ज़्यादातर मैं यही बतलाता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन ट्राई करें, ऑनलाइन जॉब बहुत है, बेशुमार है, माल्टा के अंदर में बहुत काम है। और रह की बात माल्टा कंट्री की बात है, तो देखिए माल्टा कंट्री बहुत ईजी है यार एंटर करने के लिए, ठीक है, माल्टा में। और ये तो सबको पता है एक शेंगन कंट्री है और कंट्री भी बहुत खूबसूरत है यार। देखो मैं किसी को कभी गलत रास्ता नहीं बतलाता हूँ और ना मुझे पसंद है यार, ठीक है ना, इस वजह से मैं ज़्यादातर मैं किसी का वीडियो नहीं अपलोड करता हूँ। पर भंडारी भाई का क्या एक्सपीरियंस है, कैसे अप्लाई किया था, मैंने उनको डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ हेल्प करा है, मैं शुरू से यही चीज़ बोलता हूँ कि देखो आप लोग थोड़ा सा खुद से दिमाग लगाएं ना, जिनका अप्रूवल प्रिंसिपल लेटर आ गया हुआ है, खुद से वो लोग दिमाग लगाएं तो अपना खुद से फाइल रेडी कर सकते हैं। किसी को सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे भाई, किसी के सहारे की नहीं है। कल हो के पता है कोई आदमी अगर हेल्प कर देता है ना, अगर वो बोल दे कि भाई मैंने तुम्हारा हेल्प करा ना, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इस वजह से मैं बोलता हूँ यार आप लोग खुद से हेल्प करो, किसी का सहारा नहीं लो, आपके पैसे भी बच जाएंगे चार। तो बस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहें और इनका भंडारी भाई का वीडियो देखें, वो खुद बतलाएंगे अपने मुँह से भाई, मैं नहीं बतलाऊँगा, खुद वो बतलाएंगे। आप लोग देखें और वीडियो जहाँ तक अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना और ज़्यादातर चैनल को शेयर भी करना भाई, ठीक है, बने रहें। इस वीडियो में अटैच कर रहा हूँ उनका वीडियो। हेलो भाई लोग, गुड इवनिंग पूरा भाई लोग के लिए। मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं इधर दुबई से हूँ, मैं पेस्टी बेकरी शेफ के जॉब कर रहा हूँ इधर रसल खेमा में। मैं 2003 में दुबई आया, इधर मैं 3 कंपनी में चेंज किया। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ मैं पूरा भाई लोग को, मैं इधर से ऑनलाइन जॉब सर्च किया, मेरे को माल्टा AM रिक्रूटमेंट एजेंसी से एक ऑफर आया, जॉब ऑफर, अच्छा ऑफर आया। मैं उधर अप्लाई किया, CV डाला, यूरोपा CV, उधर से मेरे को उन लोग ऑनलाइन इंटरव्यू लिया, मैं सिलेक्ट किया, बाद में मेरे को वो पेपर भेज दिया, बाद में मैं 500 यूरो पे किया AM रिक्रूटमेंट एजेंसी को, उधर से मेरे को अभी जॉब कॉन्टैक्ट भेज दिया जॉब के लिए AM रिक्रूटमेंट एजेंसी से।
अभी मैं इधर दुबई में हूँ। मैं फेब्रवरी का 2 तारीख का मैं अपार्टमेंट बुक करके गया था, फेब्रवरी 21 का अपार्टमेंट बुक करके गया। उधर उधर से मेरे को रिटर्न कर दिया, बोल रहा था मेरे को पासपोर्ट में नया वीज़ा था। कंपनी में, एक कंपनी में मेरे को 3 साल हो गया, मेरे को वीज़ा में था, अभी नया वीज़ा लगाया दूसरा कंपनी का, लेकिन साहु एक ही था, दूसरा कंपनी का था। बाद में रिटर्न कर दिया मेरे को, फिर इधर आके मैंने एनओसी बनाया, 2 कंपनी सेम एक ही है बोल के। फिर मैं मार्च 7 तारीख को अपार्टमेंट बुक करके गया, अभी मैं डग में सुबित गया। मेरे को 14 डेज में, 14 डेज में का अंदर मैं कल पासपोर्ट रिसीव किया, मेरे को अच्छा से मेरे पासपोर्ट में स्टाम्प मार के आया। मेरा डॉक्यूमेंट बनाने के लिए थोड़ा इमाम भाई हेल्प किया, और पहले से मेरा व्हाट्सएप में बात होता था, पहले से इमाम भाई हेल्प किया था। अभी इमाम भाई माल्टा में है, मैं उधर आएगा जल्दी मिलेगा। थैंक यू इमाम भाई, आप मेरे को थोड़ा वो किया। वो इमाम भाई का यूट्यूब में मेरा 2 बार वीडियो आया था, वो ग्लोबल विलेज से। भाई लोग ऑनलाइन जॉब सर्च करो, अभी तक मेरा खर्चा कितना आया, 500 यूरो में माल्टा में पे किया।